23 नवंबर दिन चुनाव होवेला और इनरी वजह से आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। सरकारी को योजना और पोस्टर या बैनर्स लागोड़ा है तो वे हटवा दिया जाया करे। अगर आप इन पुड़े माते लागोड़ा दो होल्डिंग्स माते नजर डालो तो दो ही होल्डिंग्स अभी खाली है। शायद इनारे माते कोई सरकारी योजना और प्रमोशन हो। पांचवी से बारहवीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीते ढेरों इनाम। नमस्कार जोधपुर जलको जोधपुर से मैं हूँ आदित्य आप रसागे और आपने ठा है कि विधानसभा चुनावारी चर्चा जोरा शोरा माते है राजस्थान रे माए और अबे विधानसभा चुनावारी तारीख भी फाइनल वेगी है। 23 नवंबर दिन चुनाव होवेला और इनरी वजह से आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। आचार संहिता रूल्स और रेगुलेशन भरपूर होया करे। इंडर माए सबसे बड़ो रूल्स और रेगुलेशन ओ होया करे कि कोई भी मंत्री कोई भी नेता गंडर अगर कोई पोस्टर्स बैनर्स लागोड़ा है या सरकारी को योजना और पोस्टर्स या बैनर्स लागोड़ा है तो वह हटवा दिया जाया करे और ओ काम करया करे नगर निगम वाला। मैं नगर निगम ऑफिस रे बारे खड़ो हूँ और अठे सू शुरुआत होया करे और अटे सू लोग भेजा करे जी का जार नेताओं रा मंत्री और जी का बैनर्स है पोस्टर्स है वे हटान आचार संहिता रो पालन कर सके। अब कटे कटे बैनर्स हटवा दिया गया है कटे कटे पोस्टर्स हटवा दिया गया है वो भी मैं आपने ज़रूर बताऊंगा। अगर आप इन पुड़े माते लागोड़ा दो होल्डिंग्स माते नज़र डालो तो दो ही होल्डिंग्स अभी खाली है। शायद इनारे माते कोई सरकारी योजना और प्रमोशन हो कोई नेता या मंत्रीगण रो प्रमोशन हो या कोई नेता की तरफ से कोई बड़े नेता या मंत्री ने जन्मदिन री हार्दिक शुभकामनाएं दी गई लेकिन आचार संहिता ने माए ऐसा हटा दिया जाया करें। आगे अगर आप देख पाए वह सारा पोस्टर सारा बैनर्स है जिका आचार संहिता लागू हो तो ही हटा दिया गया है और काम 102 दिनार माए खत्म कर दिया जावेला। और अगर आप शहर में माए नजर डालोला तो शायद ही आपने कोई नेता मंत्री या सरकारी योजना और पोस्टर्स बैनर्स और होल्डिंग्स दिखेला। अब चुनावारी तारीख भी घोषित कर दी गई है तो आप शहर में माए आप किन्हें सपोर्ट कर रहा हो वो भी कमेंट कर जरूर बताइजो।